नमस्कार स्टूडेंट, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश पीएनटीएसटी जेएनटीएसटी प्रे एग्ज़ाम जो होता है उनकी कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा जो प्रे एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का जेएनएम का, उनकी कट ऑफ क्या रहती है, मिनिमम कितने अंक चाहिए हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस पाने के लिए, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने एमपी नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बीएससी नर्सिंग जेएनएम और एएनएम की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। सो कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कट ऑफ जानना, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको मिनिमम कितने मार्किंग की आवश्यकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑल कैटेगरीज के, क्योंकि कैटेगरीज पे डिपेंड करते हैं कट ऑफ, जैसे कि जनरल वालों की, बीएस ओबीसी वालों की और एसटी एससी वालों की, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि जनरल ओबीसी और एसटी एससी, जनरल वालों को कितने नंबर चाहिए, अभी बहुत आदमी तूफान आ रहा है, अभी इधर मौसम ख़राब हो रहा है, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट समझने की कोशिश करें, मौसम तो आते जाते रहते हैं, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। सो स्टूडेंट, आपका पेपर होता है 150 का, ठीक है, 150 नंबरिंग का प्रे एग्ज़ाम, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो या फिर जेएनएम का हो, प्रे एग्ज़ाम 150 नंबर का ही होता है, मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग प्रे एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश जेएनएम प्रे एग्ज़ाम, ठीक है। तो 150 में से आपको कितने नंबर लाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मैं आपको 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ, पिछले साल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम जो नंबरिंग चाहिए वो चाहिए 19, ठीक है, 19%, जितनी सी चाहिए मैं पिछले साल की बता रहा हूँ आपको, 90% अंक आपको चाहिए, यानी कि 150 में से 90 नंबर तो आप ला ही सकते हो, 19 नंबर तो आप ला ही सकते हो, इतने तो आप कैपेबल ही हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे 88 आ गया तो नहीं होगा क्या, 88 आ गया तब भी पॉसिबल है, 88 तक भी हो जाएगा, बट मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, अगर मैं आपको 85 ही बता दूँ तो आप और आपका सोचेंगे कि हाँ लेंगे पढ़ लेंगे क्या दिक्कत है, बट आप जितना हो सके, मैं तो कहता हूँ कि 150 में से 120 नंबर लाने का प्रयत्न करो, तब जाके आपके 100 नंबर 90 नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपका जो जनरल वालों का रहा है 90 नंबर, 150 में से 90 नंबर लेके आने हैं आपको, तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओबीसी वालों की बात करें तो 150 में से कितने नंबर लाने ताकि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो इनको थोड़ी सी छूट होती है, ओबीसी वालों को ज़्यादा कुछ नहीं होती, ओनली इनको हो जाएगा 83% पे, ठीक है। और एसटीएससी वालों की बात करें तो इनकी तो पूछो मैं, तो इनको तो आधे पे सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 75 पर ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट स्टूडेंट, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है, जनरल वालों का भी कम में हो जाएगा, ओबीसी वालों का भी कम में हो जाएगा, बट सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस वाला, इसमें आपको छूट मिलती है 10% की, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास हुआ होना चाहिए, अगर जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसको 10% का इसमें रिजर्वेशन मिलता है, ये भी बात इफेक्ट करती है कट ऑफ को, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है उसमें रिजर्वेशन उनको मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कट ऑफ को इफेक्ट करती है। और जेंडर की बात करें तो यहाँ तो ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करती है, तो इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यानी कि जेंडर इफेक्ट नहीं करता है कट ऑफ को, यहाँ पर कोई अदर एग्ज़ाम में कर सकता है, बट यहाँ पर जो हमारा मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का प्रे एग्ज़ाम है, जेएनएम का जो प्रे एग्ज़ाम है, एएनएम का जो प्रे एग्ज़ाम है, यहाँ पर जेंडर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं, बॉयज अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो जेंडर का तो कोई रोल ही नहीं है। कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ अब बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनका भी रिजर्वेशन होता है, बट ज़्यादा अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ छोटी मोटी फिजिकल हैंडीकैप्ड होती है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, उनको भी रिजर्वेशन होता है, छूट होती है, ठीक है जी। तो ये भी इफेक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, पेपर, आपका जो पेपर होता है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कट ऑफ, अगर पेपर हार्ड रहा तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, 50% से भी कम चली जाती है फिर तक, अगर पेपर हार्ड रहा तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करके आते उसको हार्ड रहा तो,
है कि नहीं। अगर पेपर इजी रहा तो सब करके आएंगे, पेपर इजी रहा तो उसको सब करके आएंगे, कमज़ोर बच्चा भी कुछ ना कुछ तो करके आएगा, तो ऐसे में कट ऑफ फिर बहुत ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, जैसे मान लो पेपर इजी रहा तो 150 में से कोई करके आ रहा है सही, 120 सही करके आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट 110 सही करके आ गए, तो फिर कट ऑफ हाई रहती है क्योंकि पेपर इजी हो गया इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चली गई। तो ये भी इफेक्ट करते हैं कट ऑफ को। ठीक है, पेपर इफेक्ट करता है, आपका जो कैटेगरी है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट है ये चीज़ें इफेक्ट करती है, इतनी सारी चीज़ें इफेक्ट करती है आपकी कट ऑफ को। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको, आप जो स्टूडेंट हैं ना, अपनी मेहनत पर थोड़ा सा विश्वास रखो। 150 में से आप टारगेट रखो कि हमें 120 नंबर लाने हैं, इतना टारगेट रखोगे उसमें से आप 100 तो ले आओगे। यानी कि कोई भी कैटेगरी हो गई, आपके पास ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ना किसी प्रकार का कोई छूट देने वाला, रिजर्वेशन देने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 100 नंबरिंग ले आओगे 150 में से। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 100 नंबर तो लाने ही होंगे, इसे मान के चलो आप 100 का टारगेट रख के चलो। 100 तो ला ही सकते हो स्टूडेंट, ला सकते हो नहीं ला सकते तो कमेंट करके बताना मेरे को, कैसे नहीं ला सकते। मैं सपोर्ट दे रहा हूँ आपको, MCQs आपके करवानी है, अभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको देने हैं, सिलेबस आपको देने हैं, ऑनलाइन क्लासेज आपको देनी है। ठीक है, तो कैसे नहीं आएंगे बताओ फिर। जो भी सपोर्ट चाहिए आप कमेंट करके बता देना। MCQ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, MCQs आप कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के MCQs डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो 150 में से कितने नंबर आपको लाने हैं प्रॉमिस करो, 100 तो आपको लाना ही है। ठीक है, अगर टॉप करना है आपको, टॉप टेन में आपको लाना है, मैंने लिस्ट जारी भी की थी उनकी, टॉप टेन कैंडिडेट की 2019 वाले, आयुषी पांडे का फर्स्ट रैंक था 2019 में। सो, आपको अगर टॉप टेन में आना है तो MCQs आपको करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है, NCERT को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप MCQs प्राप्त कर सकते हो। ठीक, तो हो जाइए शुरू, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। कोई भी अगर समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यह हमने जान लिया कट ऑफ के बारे में। ठीक, तो ये सब कैटेगरी वाइज हमने कट ऑफ जान ली 2019 के हिसाब से।